आप सभी को पता है कि आज हम सभी बच्चे यहाँ एकत्रित हुए हैं, यहाँ जमा हुए हैं, उसके पीछे कारण है आज विश्व योग दिवस है। आज क्या है? विश्व योग दिवस। ठीक है, इस दिन हम लोग क्या करते हैं बच्चे? जिस प्रकार से दीपावली के समय हम लोग दीपक और पटाखे फोड़ के दीपावली को मनाते हैं, उसी प्रकार से आज के योग दिवस को हम लोग योग करके मनाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? इसकी शुरुआत करने के पहले हम लोग अपने ईश्वर, हम लोग ईश को अपना याद कर लेते हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना मैम से आग्रह करता हूँ, मृत्युंड महाकाय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी बच्चे को पता होगा कि योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। जिस प्रकार से आपको गाड़ी, अपने गाड़ी को निरंतर अच्छे चलने के लिए आपको गाड़ी को क्या करना होता है कि उसका सर्विसिंग कराना होता है। आप समझेंगे इस बात को। गाड़ी को चलने के लिए उसमें पेट्रोल की आवश्यकता होती है। क्या पेट्रोल की आवश्यकता होती है? पर गाड़ी अच्छे से चले इसके लिए लगातार आप क्या करते हैं कि उसमें मोबिल डालते हैं, आप क्या करते हैं कि उसकी अच्छे से सफाई करते हैं, आप उसका देखभाल करते हैं, सर्विसिंग कराते हैं। एक शब्दों में कहें तो उसकी सर्विसिंग कराते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है। किस चीज की आवश्यकता है? भोजन। यानी कि आप भोजन करते हैं तो आपको उससे ऊर्जा यानी कि एनर्जी मिलती है। अच्छे से चलाने के लिए आपको क्या करना होता है कि नित्य यानी कि हमेशा आपको व्यायाम करना होता है, आपको योग करना होता है। इसी के साथ आज जिस कारण हेतु हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हम लोग जमा हुए हैं, आज हम लोग उस चीज को पूरा करने जा रहे हैं। आप योग की मुद्रा, ओम की मुद्रा में आप पहुंच जाएंगे। ओम अंगूठे दाहिने हाथ यानी जिस हाथ से आप खाते हैं उस हाथ का अंगूठा आपके एक नासिका के ऊपर रखना है और दूसरे नाक से क्या है कि आपको सांस अंदर की ओर छोड़ना है, लेना अंदर लेना। उसी अवस्था में हर 45 सेकंड के लिए आप बैठेंगे यानी कि आपको वापस आना है 45 सेकंड के बाद। आप अपने दोनों पांव को कुछ इस प्रकार से चढ़ाएंगे, एक के ऊपर एक हो जाए। अगला जो आसन हमारा है इसका कौन सा है? अभ्यास नंबर 6 जिसका नाम है त्रिकोण आसन। अगला अभ्यास का नाम है सुखासन। इस आसन में आपको सुख की अनुभूति होती है। आज के इस योग को सफल बनाया आपने, जितने भी योग किए काफी अच्छे तरीके से किए, आपने सीखने के इरादे से आज आपने योग किया, सभी बच्चे अच्छे किए। मैं प्रिंस सर का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी काफी योगदान इनका भी रहा। हर एक बच्चे जो नहीं कर पा रहे थे इन्होंने पकड़ पकड़ के कराया। और मैं अर्चना मैम का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने आज के योग को
योग कराने के पीछे आज उन्होंने ही इस प्रस्ताव को हमारे सामने रखा कि योग आज के दिन मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी बच्चे को फिर से एक बार वर्ल्ड योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।